क्वेश्चन में हमें ये प्रूव करना है अनरूट 5 इरेशनल नंबर होता है। स्टूडेंट्स, हम इस क्वेश्चन को कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से सॉल्व करेंगे। कॉन्ट्राडिक्शन मेथड में क्वेश्चन में हमें जो प्रूव करने के लिए कहा जाता है हम उसके अपोजिट अज्यूम करते हैं। जैसे कि यहां पर हमें ये प्रूव करना है कि अनरूट 5 इरेशनल नंबर होता है, तो हम ये अज्यूम करके चलेंगे कि अनरूट 5 रैशनल नंबर होता है। ठीक है, कॉन्ट्राडिक्शन मेथड में हम जो हमें क्वेश्चन में प्रूव करने के लिए दिया जाता है हम उसके अपोजिट अज्यूम करके चलते हैं, यानी कि रॉन्ग अज्यूम्पशन करके चलते हैं। और रॉन्ग अज्यूम्पशन करने के कारण से जब हम आगे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो आगे हमें बहुत सारे रॉन्ग रिजल्ट्स मिलते हैं। उन रॉन्ग रिजल्ट्स को देख करके हम कहते हैं कि हमारा अज्यूम्पशन गलत है, क्वेश्चन में जो फैक्ट हमको प्रूव करने के लिए दिया गया है वो बिल्कुल सही है। तो इसी कॉन्सेप्ट के साथ में कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो चलिए सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं और लिखते हैं, लेट अस अज्यूम टू द कॉन्ट्ररी दैट अनरूट 5 इज रैशनल। यहां पर हमने लिखा है कि हम कॉन्ट्ररी अज्यूम करते हैं, यानी कि अपोजिट अज्यूम करते हैं कि अनरूट 5 एक रैशनल नंबर है। ठीक है, हमने अनरूट 5 को रैशनल नंबर तो सपोज कर दिया है और हमें पता है कि हम सभी रैशनल नंबर को पी अपॉन की फॉर्म में लिख सकते हैं, इसलिए हम अनरूट 5 को भी पी अपॉन की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो लिखेंगे अनरूट 5 रैशनल नंबर है और इस प्रकार से है, सच दैट अनरूट 5 इज इक्वल टू पी अपॉन क्यू। स्टूडेंट्स, हमें अच्छी तरीके से पता है कि जब भी हम किसी रैशनल नंबर को पी अपॉन क्यू फॉर्म में सपोज करते हैं तो वहां पर जो पी और क्यू होते हैं वो इंटीजर्स होते हैं और क्यू जो होता है वो जीरो नहीं होता है। ठीक है, हम इस क्वेश्चन में भी पी और क्यू को इंटीजर्स ही सपोज करेंगे और क्यू को जीरो नहीं लेंगे, लेकिन हम पी और क्यू को यहां पर को प्राइम इंटीजर सपोज करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, को प्राइम इंटीजर्स का मतलब होता है ऐसे इंटीजर्स जिनमें एक्सेप्ट वन कोई भी कॉमन फैक्टर ना हो, जैसे कि 4 और 9। 4 के फैक्टर्स होते हैं 1, 2 और 4 और 9 के फैक्टर्स होते हैं 1, 3 और 9। दोनों ही पॉजिटिव इंटीजर्स हैं और दोनों का एक्सेप्ट वन कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता है, इसलिए ऐसे इंटीजर्स को हम को प्राइम इंटीजर्स कहते हैं। तो अब आपने याद रखना है कि हमने यहां पर अनरूट 5 को पी अपॉन क्यू फॉर्म में दिखाने के लिए जो ये इंटीजर्स दिए हैं पी एंड क्यू, ये को प्राइम इंटीजर्स हैं और क्यू यहां पर जीरो नहीं है। तो चलिए इस बात को यहां पर लिख भी देते हैं। ठीक है, तो लिखते हैं हियर पी एंड क्यू आर को प्राइम इंटीजर्स एंड क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो। आपने पूरा फोकस इस स्टेटमेंट पर बनाए रखना है, इस स्टेटमेंट के बेस पर ही हम क्वेश्चन का सॉल्यूशन निकालेंगे। ठीक है, तो ये हमारा स्टार स्टेटमेंट है। ठीक है, चलिए हम क्वेश्चन को आगे सॉल्व करते हैं और यहां पर जो ये हमने लिया था अनरूट 5 इज इक्वल टू पी अपॉन क्यू, इसको यहां पर नोट डाउन कर लेते हैं। लिखते हैं अनरूट 5 इज इक्वल टू पी अपॉन क्यू। अब हम इस इक्वेशन का स्क्वेयरिंग बोथ साइड कर लेते हैं। लिखते हैं ऑन स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स। लेफ्ट हैंड साइड में है स्क्वेयर रूट 5, तो जब हम लेफ्ट हैंड साइड का स्क्वेयर करेंगे यानी कि स्क्वेयर रूट 5 का स्क्वेयर करेंगे तो स्क्वेयर से स्क्वेयर रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, तो लेफ्ट हैंड साइड में आएगा 5। फिर इज इक्वल टू है तो इज इक्वल टू को नोट डाउन कर लेते हैं। अब राइट हैंड साइड में हमारे पास में है पी अपॉन क्यू, तो जब हम पी अपॉन क्यू का स्क्वेयर करेंगे तो राइट हैंड साइड में आएगा पी स्क्वेयर अपॉन क्यू स्क्वेयर। ठीक है, अब हम क्यू स्क्वेयर को राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड में लेकर के आएंगे। क्यू स्क्वेयर राइट हैंड साइड में डिवाइड में है तो जब ये लेफ्ट हैंड साइड में आएगा तो ये मल्टीप्लाई में आ जाएगा, 5 के साथ में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तब हमारे पास में आएगा 5 क्यू स्क्वेयर इज इक्वल टू पी स्क्वेयर और ये बन जाएगा हमारा फर्स्ट इक्वेशन। अब हम 5 को लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में लेकर के जाएंगे। ठीक है, 5 यहां पर मल्टीप्लाई में है लेफ्ट हैंड साइड में, तो जब ये राइट हैंड साइड में जाएगा तो डिवाइड में चला जाएगा, पी स्क्वेयर के डिनोमिनेटर में चला जाएगा। ठीक है, तो आएगा हमारे पास में
q square is equals to p square upon 5. अब यहां से हमें साफ दिखाई दे रहा है कि 5 जब p square को डिवाइड करता है तो आंसर आता है q square, यानी कि 5 p square को डिवाइड कर सकता है. तो यहां पर हम लिख लेते हैं, therefore 5 divides p square. अब स्टूडेंट्स आपने एक बात ध्यान से याद रखनी है, हमें बुक में एक थ्योरम दिया गया है, थ्योरम है 1.3, जिसमें यह क्लियरली लिखा गया है कि अगर p कोई भी एक प्राइम नंबर है और अगर p a स्क्वायर को डिवाइड कर सकता है तो p a को भी जरूर डिवाइड करेगा. अब आप यहां पर ध्यान से देखिए, यहां पर हमने लिखा है 5 डिवाइड्स p स्क्वायर, 5 एक प्राइम नंबर है और वो p स्क्वायर को डिवाइड कर सकता है, तो अकॉर्डिंग टू थ्योरम 5 p को भी डिवाइड करेगा. 5 एक प्राइम नंबर है, 5 p स्क्वायर को डिवाइड कर सकता है, इसलिए अकॉर्डिंग टू थ्योरम 5 p को भी जरूर डिवाइड करेगा. ठीक है, तो चलिए इस बात को यहां पर लिख भी लेते हैं. लिखते हैं 5 डिवाइड्स p स्क्वायर, देयरफॉर 5 डिवाइड्स p. चलिए अब हम आगे सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को. यहां पर हमने देखा था कि जब 5 p स्क्वायर को डिवाइड करता है तो आंसर आता है q स्क्वायर, और यहां पर हमने लिखा है कि 5 p को भी डिवाइड कर सकता है. तो चलिए अब हम ये सपोज कर लेते हैं कि जब 5 p को डिवाइड करेगा तो आंसर आएगा r. ठीक है, तो चलिए इसको यहां पर लिख भी लेते हैं. ठीक है, लिखते हैं when p divided by 5, यानी कि 5 जब p को डिवाइड करता है तो आंसर आता है r. ठीक है, यहां पर जो ये हमने आंसर दिया है r, ये कोई भी इंटीजर हो सकता है. ठीक है, तो लिख देते हैं where r is some integer, कोई भी इंटीजर हो सकता है. अब हम इस 5 को लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में लेकर के जाएंगे. 5 यहां पर डिवाइड में है, तो जब हम राइट हैंड साइड में लेकर के जाएंगे तो ये r के साथ में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये बन जाएगा p इज इक्वल टू 5r. अब हम इस इक्वेशन का स्क्वेयरिंग बोथ साइड कर देंगे. लिखते हैं ऑन स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स. तो जब हम इस इक्वेशन का स्क्वेयरिंग बोथ साइड करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में p है तो लेफ्ट हैंड साइड में बन जाएगा p स्क्वायर, फिर राइट हैंड साइड में आते हैं, राइट हैंड साइड में 5r है तो ये बन जाएगा 25r स्क्वायर. चलिए अब हम इस इक्वेशन को इक्वेशन सेकंड सपोज कर लेते हैं. इक्वेशन सेकंड से p स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास में है 25r स्क्वायर, और इक्वेशन फर्स्ट से p स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास में है 5q स्क्वायर. ठीक है, तो अब हम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड से दोनों से पी स्क्वायर की वैल्यूज को कंपेयर करके यहां पर लिखेंगे. तो लिखते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड वी हैव, हमारे पास में आएगा इक्वेशन फर्स्ट से पी स्क्वायर का वैल्यू आएगा 5 क्यू स्क्वायर, और इक्वेशन सेकंड से पी स्क्वायर का वैल्यू आएगा 25 आर स्क्वायर. ठीक है, 5 से 25 को कैंसिल आउट करेंगे तो आएगा 5, तो ये बन जाएगा क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 5 आर स्क्वायर. अब हम 5 को राइट हैंड साइड से जब लेफ्ट हैंड साइड में लेकर के जाएंगे तो ये मल्टीप्लाई से यहां डिवाइड में आ जाएगा, तो बन जाएगा क्यू स्क्वायर अपॉन 5 इज इक्वल टू आर स्क्वायर. अब यहां से क्लियरली ये दिखाई दे रहा है कि जब 5 क्यू स्क्वायर को डिवाइड करता है तो आंसर आता है आर स्क्वायर. ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि 5 क्यू स्क्वायर को डिवाइड कर सकता है. तो चलिए इसको यहां पर लिख लेते हैं, देयरफॉर 5 डिवाइड्स क्यू स्क्वायर. अब हमें पता है कि अगर 5 क्यू स्क्वायर को डिवाइड कर सकता है तो 5 क्यू को भी डिवाइड करेगा. थोड़ी देर पहले हमने थ्योरम को डिस्कस भी किया था. ठीक है, तो हम लिखेंगे देयरफॉर 5 डिवाइड्स क्यू. चलिए अब हम दो स्टेटमेंट्स को ध्यान से देखते हैं, पहला ये और दूसरा ये. पहले स्टेटमेंट पे हमने लिखा है 5 डिवाइड्स p, और दूसरे स्टेटमेंट पे हमने लिखा है 5 डिवाइड्स q, यानी कि 5 p और q दोनों को डिवाइड करता है. इसका मतलब ये हुआ कि 5 p और q दोनों का कॉमन फैक्टर है. चलिए इसको यहां पर लिख भी लेते हैं. देखते हैं फ्रॉम अबाउ फाइव एज
a common factor of P and Q. अब यहां पर जो ये स्टेटमेंट आया है, 5 इज अ कॉमन फैक्टर ऑफ P एंड Q, यानी कि 5 P और Q का कॉमन फैक्टर है. ये जो स्टेटमेंट है, इस स्टेटमेंट का बिल्कुल अपोजिट स्टेटमेंट है, क्योंकि यहां पर हमने लिखा है P एंड Q आर को प्राइम इंटीजर्स, यानी कि P और Q को प्राइम इंटीजर्स हैं. क्योंकि P और Q को प्राइम इंटीजर्स हैं, इसलिए P और Q का कोई कॉमन फैक्टर हो ही नहीं सकता है एक्सेप्ट वन. और यहां पर हमने लिखा है कि 5 इज अ कॉमन फैक्टर ऑफ P एंड Q. ये दोनों स्टेटमेंट एक दूसरे के बिल्कुल कॉन्ट्राडिक्ट स्टेटमेंट है, बिल्कुल अपोजिट स्टेटमेंट है. चलिए इस बात को यहां पर लिख भी लेते हैं. हम लिखते हैं कि ये जो स्टेटमेंट है, इस स्टेटमेंट का बिल्कुल कॉन्ट्राडिक्ट स्टेटमेंट है. लिखते हैं, इट कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट दैट P एंड Q आर को प्राइम इंटीजर्स. अब आपको पता है कि ये कॉन्ट्राडिक्शन यहां पर क्यों आया है. ये कॉन्ट्राडिक्शन इसलिए यहां पर आया है क्योंकि हमारा अजम्पशन ही गलत था. हमने पहले ही गलत अज्यूम कर दिया था कि अनरूट 5 एक रैशनल नंबर है. एक्चुअल में अनरूट 5 एक इरेशनल नंबर है. गलत अजम्पशन करने के कारण से ही हमें कॉन्ट्राडिक्ट स्टेटमेंट देखने को मिले. ठीक है, तो चलिए यहां पर लिखते हैं, दिस कॉन्ट्राडिक्शन राइज ड्यू टू आवर इनकरेक्ट अजम्पशन दैट अनरूट 5 इज रैशनल. क्योंकि हमने अजम्पशन ही गलत किया था कि अनरूट 5 रैशनल है, इसीलिए कॉन्ट्राडिक्शन, ये जो कॉन्ट्राडिक्शन आया था वो राइज हुआ था. ठीक है, इससे हम कहेंगे देयरफॉर अनरूट 5 इज इरेशनल. तो ये आ गया हमारा फाइनल आंसर.